नमस्ते सभी को। हम यहाँ पहुँचे हैं वेस्ट कमिंग का दिरांग सर्कल में है, और ये एरिया जो सांगती बोल के जगह है, काफ़ी ये है, ये एरिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत एक विचित्र तरह का पक्षी आता है, खास करके साल में इसी ठंडे का जाड़े का मौसम में आता है। तो इसको पक्षी को देखने के लिए कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और ये पक्षी जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक नेक क्रेन। आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस टाइप से होता है। इसका जो पूरा गला जो है पूरा ब्लैक है, बाकी जो पोर्शन अलग कलर होता है। और ये जो पक्षी है स्पेशली हमारा जो साइबेरिया है, साइबेरिया में पाया जाता है, और ये हज़ारों किलोमीटर को पार करके भूटान से होते हुए ट्वांग से होते हुए ट्वांग डिस्ट्रिक्ट को होते हुए पार करते हुए ये यहाँ दिरांग में आता है। और ये सांगती में यहाँ अभी हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो यहाँ 3 पक्षी आया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट 3 दिन से यहाँ इंतज़ार कर रहा है। बीच में सुनने में आया था कि एक और यहाँ आस में पड़ोस में दिरांग का जो मार्केट का सामने में एक कोई गांव है, वहाँ पर भी एक दिन बसेरा करने के बाद फिर यहाँ आके रुका हुआ है। तो ये बहुत एक अजूबा चीज़ है, इसको देखने के लिए लोग बहुत आते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और अरुणाचल प्रदेश में जितना, जैसे हम इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का बात करते हैं, तो कम से कम 80 से ज़्यादा तक हमारा जो फॉरेस्ट कवरेज है पूरा स्टेट में, और उसी प्रकार का हमारा यहाँ वन्य प्राणी है, और करीब 400 से 500 तक हमारे पास में अलग अलग ऑर्चिड के प्लांट्स होते हैं। यहाँ हमारा स्टेट जो फ्लोरा और फोना के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए हमको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। और ख़ास करके जैसे हमारा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नातुंग ने जो अभियान छेड़ा है कि कंधे पर कैमरा रखो और बंदूक से शूट मत करो, कैमरा से शूट करो, तो ये जो अभियान ये सब के लिए काफ़ी जारी रहेगा। और हमें आशा है कि इन पक्षियों को समय रहते हुए हमें उनको संरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो ये पक्षी को कोई यदि कोई उसको मारने वाला, यदि कोई बंदूक वाला कोई दिख जाए तो ज़रूर मार देगा। इसीलिए हमारा तो रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और ख़ास करके यहाँ के लोग को, शांति के जो लोग हैं उनको मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम ये चाहे 10 दिन रहे या 20 दिन रहे या महीना या 1.5 महीना, उसको कम से कम संरक्षण दिया जाए, उसे मारा नहीं जाए और उनके सामने में कोई नहीं जाया जाए। ये हमारा लिए एक शान है, एक पहचान भी आता है दिरांग में ये पक्षी आता है बोल के। तो हम यहाँ लोकल एक फॉरेस्ट में कोई काम करते हैं, उनको हम बात करना चाहते हैं। हम यहाँ एक यहाँ के लोकल निवासी है, यूथ है, एडुकेटेड यूथ है, बायोलॉजिस्ट का काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कहीं में भी हो काफ़ी उनका सहयोग लिया जाता है, और ये सांगती के ही निवासी है लोपसांग सिराप। तो इनसे हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये चिड़िया के बारे में इनको कुछ यहाँ का नॉलेज है, जानकारी है, और ये बताना चाहेंगे कि आप सिराप जी, आप ही बताइए पक्षी जो है ब्लैक नेक क्रेन कब आया ये, और इसका विषय डिटेल्स थोड़ा सा बताइए, होता क्या है, कैसे आता है और कहाँ से आता है, कितने दिन रुकता है, और ये किस तरह से जाने का समय में आप लोग देखते हैं इसको। इसको हम लोग लोकल नाम में ठुनुंग कर्मो बोलते हैं, और ये हम लोग मतलब बुद्धिस्ट के लिए बहुत मतलब प्राइड वाला बात होता है, क्योंकि जब ठुनुंग कर्मो आया मतलब पहले का ऐसे मतलब बुद्धिस्ट को बिलीव करता है कि ये मतलब गुड फॉर्चून लेके आता है, तो वो साल में राइस का कल्टीवेशन हो, कुछ भी सब्जी करो, वो चीज़ बहुत मतलब अच्छा में होता है, मतलब बहुत अच्छा से होता है वो चीज़। तो ये 28 को आया था, ये ठुनुंग कर्मो जो 28 को आया था, लेकिन पता नहीं कुछ डिस्टर्बेंस टूरिज्म का वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, तो उसने वो चला गया था, 2 दिन रहा था, तो 12 बजे ऐसे को नेक्स्ट दिन का 12 बजे को ये चला गया था, चला जाके एक दिन तो कहीं मिला भी नहीं, नेक्स्ट दिन को देखा तो वो झिंखा में आके बैठा था। फिर हम लोग भी बहुत, हम तो यहाँ बहुत दिन आके सर्वे कर रहा था, तो हम देखा तो ये चीज़ें तो गायब है, फिर कहीं से मतलब फ़ोन आया कि ये झिंखा में है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट दिन हम लोग DFO सर हम लोग पूरा झिंखा में गया, तो देखा कि बस्ती वाला पूरा आके देख के फोटो खींच के कोई सामने जा रहे ऐसे करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो वहाँ से भी फिर उड़ गया है। तो हम लोग डायरेक्शन देखा तो ये तो संगती तरफ में आ रहे हैं, तो वापस आए तो देखा तो ये चीज़ें जो संगती में आके देखा था। तो यहाँ पे मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ये समय को मतलब आदमी लोग बहुत पिकनिक आते हैं यहाँ पे ना, तो पिकनिक आने की वजह से तो कोई आदमी लोग ये बर्ड्स को कभी दिखा ही नहीं, तो वो लोग शॉक हो जाता है, तो उसने ये बर्ड्स को मतलब वो लोग चेस करते हैं मतलब फोटो अच्छा आने के लिए, तो उसका वजह से बर्ड्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका वजह से ये बर्ड्स को मतलब अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम,
वो लोग खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ में ये बार मतलब खुश नसीब ये है कि संगठी वाला कोई खुश नसीब है कि यहाँ में हर साल मतलब कभी एक आता था कभी दो आता था, लेकिन ये बार दो पेरेंट्स आया है यहाँ पे, माँ पिताजी आया और एक साथ में बच्चा लेके आया है, ये बहुत खुश वाला बात है संगठी के लिए। और लेकिन वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने इशू होने की वजह से जैसे टूरिस्ट बहुत सारा आते हैं यहाँ पे, अभी संगठी तो ब्लैक लेक इनका वैसे ही बहुत वेल नोन हो गया, अभी बहुत टूरिस्ट प्लेस ना, बहुत टूरिस्ट तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे, तो टूरिस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, मतलब तो टूरिज्म आ रहे तो यहाँ पे बर्ड्स को चेस कर रहे, वो लोग फोटो अच्छा लेने के लिए, पिकनिकर्स पिकनिक वाला आते आते हैं, पिकनिक यहाँ पे गाना बजाते हैं बहुत ज़ोर से, वो लोग पार्टी वाटी, तो वो चिड़िया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो ये चीज़ यही प्रॉब्लम है जो कि मतलब बर्ड्स मतलब बहुत कम आना शुरू हो गया संगठन में। लास्ट ईयर भी दो आया था, तो लास्ट ईयर भी हमने जब सर्वे किया तो देखा तो 7 days रहा यहाँ पे, वो भी क्या किया कि टूरिज्म और पिकनिक वाला लोग ने आके उसको भगा दिया यहाँ से, तो उसके बाद वापस आया ही नहीं, तो मतलब अभी वो पहले विंटर माइग्रेटरी बर्ड है वो, तो यहाँ पे वो एक महीना आधा हाफ मंथ रहता है, लेकिन आज का डेट में क्या हो रही है कि वो 6-7 days आज से नहीं जा रहे हैं, तो उसका मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसने वो यहाँ पे नहीं देखी कहीं बहुत सारे, मतलब दुख वाला बात है ना संगठी वाला संगठी लोग के लिए, ये बात होगी कि संगठी का नाम आजकल इंटरनेशनल चला गया, इंटरनेशनल में संगठी को लेकिन ट्रेन का वजह से ही इंटरनेशनल में जाना जाता है लेकिन, और टूरिज्म भी आज का दिन में होम स्टे लोग बना ये सब, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ जो ब्लैक ट्रेन का वजह से ही हुआ है, लेकिन आज का डेट में वो लेकिन ये चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा कि ये पूरा मतलब बर्बाद हो रहे हैं, ये मतलब ब्लैक ट्रेन यहाँ में कम आ रहे हैं, और अभी भी आज भी आज का डेट का भी वही प्रॉब्लम है, आज भी दिन को हम लोग आया है देखा है तो आदमी चेस कर रहे हैं, तो ये सारा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि ये जो संगठी में जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, खास करके होम स्टेस वगैरह जो बना हुआ है, ये खास करके जो टूरिस्ट जो आते हैं सिर्फ ये ब्लैक नेक क्रेन को ही देखने के लिए आते हैं, तो जब क्रेन ही नहीं रहेगा तो ये टूरिस्ट और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें जानना भी पड़ेगा और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ को बचा के रखना पड़ेगा, हमारा ये जो नाम और पहचान है उसको भी बचा के रखना पड़ेगा। हम अभी कोशिश करते हैं, फॉरेस्ट के भी एक ऑफिसर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करते हैं। इस बार 2021 में ब्लैक नेक क्रेन जो है संगठी वैली में 3 आया है, ये 28 को यहाँ एक्चुअली ये आया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ बहुत टूरिस्ट का फ्लो बहुत है, अभी जब बहुत ज़्यादा है तो टूरिस्ट लोग क्या कर रहा है, वो चिड़िया को फोटोग्राफी करने के लिए वो लोग सामने जाने के लिए कोशिश करता है, और ये चिड़िया के लिए बहुत मैंने प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए चिड़िया जो है 29 2 दिन बैठ के फिर ये शिफ्ट करके चला गया दूसरा साइड में, जो जिंका है दिरांग का सामने ही है, ये वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर सुबह उधर देखा गया था ये 3 चिड़िया को, हम लोग गया भी था उधर, तो फिर उधर भी वही सेम प्रॉब्लम है, लोग नज़दीक जाने की कोशिश करता है और चिड़िया को बहुत दिक्कत होता है, फिर अभी 2 घंटा के बाद ये चिड़िया फिर संगठी में वापस आया है, तो इसमें मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारा जो होम स्टे का जो भी मालिक है और जो टूर ऑपरेटर जितना है, ये लोग अपना अपना जो टूरिस्ट है उसको अच्छा से समझाइए कि आप चिड़िया तो देखने के लिए जाइए, लेकिन एक मैक्सिमम दूरियां बना के रखें 100 meters जैसा, और फोटो भी आप इतना दूर से ले सकता है, चिड़िया को कभी सामने से जाके उसको अप्रोच मत कीजिए, कि उसमें चिड़िया को बहुत तकलीफ हो रहा है, उसको फॉरेजिंग करने के लिए समय नहीं मिल रहा है और हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को टूर ऑपरेटर और आपका होम स्टे का जो भी ऑपरेटर जितना है, ये लोग अपना अपना जो टूरिस्ट है विजिटर्स अच्छा से समझाए कि ऐसा काम ना करे कि जो चिड़िया को तकलीफ जो पहुँचाता है, और दूसरा बात जो है हम लोग ये दिरांग साइड आज सुबह हम लोग यहाँ जिंकपा उधर गया था, और यही फिर शांति वैली में हम लोग आया है, तो हम लोग गांव बुरास को जो भी इधर का जो लीडर्स है पब्लिक को
हम लोग घर घर जाके ये बता रहा हूँ कि चिड़िया जो है अभी यहाँ फिर वापस आया है। अभी आप लोग का जिम्मेदार है कि ये चिड़िया को कितना दिन यहाँ मैंने रहने देना है। हाँ, बहुत लकी है कि हमको यहाँ का जो रेंजर साहब है RS गोन पापा से दर्शन हो गया और ये यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम पता चला कि ये भी क्रेन को बचाने के लिए यदि कोई इसका ऊपर में कोई हमला हो जाए या कोई नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कोशिश करे तो उनको बचाने के लिए ये भी अपना स्टाफ लोग के साथ यहाँ खड़े हैं। लेकिन अचानक से लोग काफ़ी आ जाते हैं। रेंजर साहब, कितने साल से हैं आप यहाँ ये दिरांग एरिया में? मैं यहाँ 10 साल से। 10 साल से ये जो पक्षी जो है खास करके ब्लैक नेक जो क्रेन, इसका बारे में थोड़ा सा बताइए और ये एरिया का बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को जानकारी हो। और ये नदी क्या है और ये चिड़िया कब कब आता है, कितना दिन रहता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, अरुणाचल के लोग काफ़ी जानना चाहते हैं इसके बारे में। ये 2 महीना रहता था, अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और मैकेनिकल सामान आ रहा है तो मेरे ख्याल से इनको साउंड पोल्यूशन का भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए वो आदमी सामने जाने से भागता है। कि पहले मैंने सुना था कि आदमी यहाँ अभी जो धान खेती है यहाँ धान काटने आते सुने उल्टा ये क्या बोलते चीज़ें भगाता था उल्टा मैंने टोकने के लिए, जैसे वो धान खाते खाने आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है उसको, इसलिए आदमी को उल्टा भागता था। अभी आदमी देखने से वो जोर से भागता है, इसका मतलब आपका यहाँ एनवायरमेंटल कुछ डिस्टर्बेंस है। बस पिकनिक स्पॉट भी है, शांति वैली बहुत सुंदर जगह है, तो इसलिए आदमी पिकनिक खाने भी आता है और होम स्टे भी खोल के रखा है। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली होम स्टे खोलने का कारण है कि एक तो वैली बहुत सुंदर है और दूसरा ये ब्लैक नेक क्रेन को लेकर के आदमी लोग आता है यहाँ। तो अभी इसको हम लोगों को जैसे कि पहले महीना डेढ़ महीना रहता था, हम लोग ये चिड़िया को खोजते खोजते जिमीथांग भी गए थे। हाँ हाँ। तो पता चला कि वहाँ भी करीब 1 सप्ताह पहले आया था ये चिड़िया, वहाँ से फिर कहाँ चला गया पता नहीं। वहाँ काफ़ी लोगों को हम लोगों ने बात करने का कोशिश किया तो आज फिर थोड़ा सा दिरांग से पहले वहाँ भी आया था, बोला एक दिन के लिए, तो आज यहाँ 2-3 दिन से रुक रहा है। तो इसको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ेगा सबसे पहले। ये तो है, लेकिन यहाँ मेरा अभी ये जो डबा साहब है सबको डबा साहब है, हाँ जी, डबा साहब बहुत इंटरेस्ट दे रहा है प्रोटेक्शन के लिए। तो आगे तो ऐसे हम लोग यहाँ आके देखता था, है खेल रहे वो लोग, खा रहे पी रहे, बट इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ने आपका इटानगर में भी बहुत बार बोला भी था लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर छोटू लोमा साहब जो इंटरेस्ट दे रहा है शायद कुछ होगा। हाँ, लोमा साहब से मेरा बात हुआ था सर, लोमा साहब भी काफ़ी आपने जैसे बताया बहुत कंसर्न है इसके लिए। हाँ। तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को ये गांव में जो संगते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा इसके लिए। वो अवेयरनेस अभी लोमा साहब को यहाँ बुला के संगते वाला या जो भी एडजोइनिंग विलेज है उन लोगों को यहाँ एक दिन गैदरिंग करके मीटिंग बिठाने का लोमा साहब को बुलाना पड़ेगा। हाँ, तो ये गोन पापा साहब का कहना था कि ज़रूर इनको बचाना पड़ेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट और लोग जो आते हैं यहाँ, होम स्टे है, टूरिस्ट स्पॉट्स भी है, काफ़ी बहुत सुंदर जगह है संगते वैली, जो इसके लिए यहाँ टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं। तो टूरिस्ट को नहीं आना ऐसा नहीं है, टूरिस्ट को आना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा लोगों का। और यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि टूरिस्ट आएंगे तो ब्लैक नेक क्रेन को ही देखेंगे, तो इसलिए ब्लैक नेक क्रेन को हमें बचाना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मेरा अनुरोध रहेगा और यहाँ का लोग भी अपील करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लोग को यहाँ डिप्यूट किया जाए ताकि ये सही सलामत रहे, जितना दिन भी रहे इज्जत से रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई उसे मारने ना पाए। और ये कम से कम ये दूर से ही फ़ोटो खींचे, फ़ोटो ज़रूर खींचना है, लोगों को भी फ़ोटो खींचने में सुनने में आया कि फ़ोटो खींच खींच करके चिड़िया को भगा देता है। तो इसलिए हमें अभी पक्षी को, जानवर को और ये जंगली जानवर को हमें बचाना पड़ेगा। और यदि प्रकृति जानवर रहेगा तो हम रहेंगे, अन्यथा ये संसार में, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो चक्र भी हुआ है जिसको इकोसिस्टम हम बोलते हैं, ये सारा जीव जंतु जानवर पक्षी और मानव से ही बना हुआ है। तो ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला को हमें बचा के रखना पड़ेगा। मैं मनोज सिंह, यहाँ से दिरांग से।